ये जितने मोदरी के मुझसे पूछ रहे हैं कि दीदी 4 जून के बाद ब्रेकडाउन हो जाएगी, दीदी का 4 जून के बाद अकाउंट बंद हो जाएगा, दीदी 4 जून के बाद क्या करेगी, पहली बात लल्ला तुमने अपने दो रुपल्ली में से हमारा दहेज का पैसा देना है, तो हमको काहे इतनी टेंशन हो रही है हमारी, और दूसरी बात अनलाइक तुम्हारे पापा के पपी से भरी गोदी मीडिया, दीदी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल उसूलों पर चलती है, तो ध्यान से सुनो समझो बहुत आसान है कि अगर एक बड़ा देश एक छोटे देश को सप्रेस कर रहा है तो दीदी छोटे देश के साथ खड़ेगी, अगर उस छोटे देश की सरकार उस देश के एक गुट को सप्रेस कर रही है तो दीदी उस गुट के साथ खड़ेगी, अगर उस गुट की एक ऊंची जात किसी छोटी जात को सप्रेस कर रही है तो दीदी उस छोटी जात के साथ खड़ेगी, और अगर उस छोटी जात का मर्द एक औरत को सप्रेस कर रहा है तो दीदी उस औरत के साथ खड़ेगी, क्योंकि सरकारें आएंगी पार्टियां बनेंगी बिखरेंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये लोकतंत्र रहना चाहिए। देखो तो दीदी जनता के सवाल करती आई है, दीदी जनता के सवाल ही रखेगी आगे भी। अब हम पत्रकार तो नहीं है लेकिन देखो पत्रकारिता का एक असूल होता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ताकि सत्ता की अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, तो दीदी 4 जून से पहले जो करती आ रही है दीदी 4 जून के बाद भी वही करेगी, दीदी सत्ता से सवाल करती आ रही है दीदी सत्ता से सवाल करेगी, दीदी जनता के सवाल पूछती आ रही है दीदी जनता के सवाल पूछेगी, दीदी सत्ता से अकाउंटेबिलिटी मांगती आ रही है दीदी सत्ता से अकाउंटेबिलिटी मांगेगी, दीदी जनता की आवाज बनती आ रही है दीदी जनता की आवाज बनेगी, अब चाहे सत्ता में तुम्हारे अब्बा या फूफा, उससे दीदी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। तू तो सिर्फ एक तरफ की न्यूज बोलती है, तू तो सिर्फ एंटी गवर्नमेंट बोलती है, 4 जून के बाद भी बोलूंगी, जा रिलैक्स बॉयज पेज का कॉन्सेप्ट और नींव नहीं बदल रही है, गोदी मीडिया थोड़ी हूँ।